तो आईएनएलडी से अलग होकर जेजेपी विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतर चुकी है, पर दादा चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चल रहे दुष्यंत चौटाला पर इस चुनाव में खुद के साथ ही साथ पार्टी का सूबे में परचम लहराने का दबाव है। युवा नेता साफ स्वीकार क्या बाड़ा रे, यो तो रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रे, यो तो रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रे। यूं ही नहीं, दुष्यंत को चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप कहा जाता है। सरलता से अपनी बात कहना, शालीनता से बहना, यही खासियत दुष्यंत चौटाला को औरों से अलग करती है। दुष्यंत में ये चौधरी देवीलाल की ही झलक है, जिसके चलते नई पार्टी होने के बाद भी समर्थक जेजेपी से जुड़ते चले गए। पार्टी जिस रोज बनी, तब कार्यकर्ताओं का हुजूम और जोश ये साबित करने के लिए काफी था कि दुष्यंत में कुछ तो खास है। जो सूबे के दूसरे नेताओं से उन्हें एक अलग पहचान देता है कि असूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये भी महज इत्तेफाक नहीं कि नई पार्टी के ऐलान के लिए जींद के उसी हुड़ा ग्राउंड को चुना गया, जहां से कभी चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस की बंसीलाल सरकार के खिलाफ जंग का आगाज किया था। 32 साल बाद परदादा की तरह उसी मैदान से दुष्यंत ने नई राजनीतिक पारी और पार्टी की शुरुआत की। 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत चौटाला ने अपने पिता के सहयोग से जेजेपी के गठन का ऐलान किया था। नायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नीतियों के साथ जनता के साथ मिलकर एक हम पार्टी बनाने का काम करेंगे कि अब युवा सरकार में आएंगे, जिसका जन जन होगा सारथी, ताऊ के विचारों वाली जननायक जनता पार्टी। चुनावी सियासत में दुष्यंत की पार्टी ने पहली बार जींद उपचुनाव में किस्मत आजमाई। नई पार्टी होने के बाद भी प्रदर्शन बेहतर रहा, जेजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। 6 महीने के अंदर ही जेजेपी ने आपके साथ मिलकर 2019 लोकसभा चुनाव में दाव खेला। कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हौसले और बुलंद हुए। दुष्यंत अपने परदादा चौधरी देवीलाल से मिली विरासत को आगे ले जाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी प्रचार के लिए गांव-गांव पहुंचे, दुष्यंत का हरियाणा में लोगों से बातचीत करना, ये उनके कॉन्फिडेंस को साबित करने के लिए काफी है। यही आत्मविश्वास 2014 में भी देखने को मिला था, जब देश में मोदी लहर के बाद भी हिसार से दुष्यंत ने इनेलो के टिकट पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। जिस वक्त वो सांसद बने, उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल थी। अब 5 साल बीत चुके हैं, पार्टी बदल चुकी है, लेकिन तेवर वही है, सियासत का अंदाज भी वही, लेकिन जिम्मेदारी पहले से 50 गुना ज्यादा है। बात अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे सूबे में पार्टी का परचम लहराने की है। मुद्दा हरियाणा के हित का है, हरियाणा के भविष्य का, किसान और कमेरे का। आज जनता उसको सोचते हुए समझते हुए जननायक जनता पार्टी को अपनी ताकत दे। दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल हूबहू चौधरी देवीलाल और राजा चौटाला जी की कॉपी है। जो चौधरी देवीलाल जी के विचार थे, जिन्होंने हरियाणा सभी तो सभी कास्ट को साथ लेके चलना। दुष्यंत चौटाला को ताऊ देवीलाल की छवि इसलिए मांग रहे हैं कि ताऊ देवीलाल की जो नीति होती थी वो हरियाणा प्रदेश के हित के लोगों में होती थी। हमेशा ही ताऊ देवीलाल ने लोगों के हित के जितने भी कार्य किए थे वो समाज हित के लिए किए थे, लोगों के हित के लिए किए थे। और ताऊ देवीलाल की जो छवि है दुष्यंत चौटाला में ऐसी की ऐसे है, और जो कि आने वाले समय में ताऊ देवीलाल का ही रूप उभर के दुष्यंत चौटाला हरियाणा की धरती पर हरियाणा के लोगों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। काम करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका जो दुष्यंत चौटाला जी का है, उसमें ताऊ की छवि दिखती है, जिस कारण जननायक जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर पूरा अपना चरम सीमा पर उभार है। चौधरी दुष्यंत चौटाला को इसलिए सभी मानते हैं, ये किसानों के नेता हैं, उनकी दिखाए हुए दिशाओं पर चलने वाले हैं,
और जो हमारा देश में जो ट्रैक्टर का एक जो वो लगाया था, इन्होंने जो संसद में ट्रैक्टर ले जाने का काम किया, उससे चौधरी देवीलाल की जो छवि है उसको बरकरार रखते हुए उनकी साथ जो उनकी नीतियां चलाई हैं, तो तुसीन जी ने देवीलाल की छवि इसलिए मान रहे हैं कि जितनी भी चौधरी देवीलाल ने स्कीम चलाई थी ये उनको लागू करने में सक्षम है और इसके बगैर कोई लागू नहीं कर सकता। दुष्यंत चौटाला उजाना कला से जीतेंगे या नहीं, ये फैसला जनता करेगी। उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक प्रेम लता से है। ये सीट चौधरी वीरेंद्र सिंह का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में माना ये भी जाता है कि चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा और ऐसे में निगाह इस पर रहेगी कि दुष्यंत उसी करिश्मे को दोहरा पाएंगे जैसा उन्होंने पहली बार हिसार में किया था। इसके लिए 24 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। जन नायक जनता पार्टी लावेगी नया उजाला, बनके युवा देवीलाल आ गया दुष्यंत चौटाला। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।